Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about this IAS Baba daily quiz compilation. जनवरी मंथ का है एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो. UPSC परसिवरेंस करके हैं एंड उसके बाद हमने ये कल एक पार्ट डाला था इसका 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे 1 to 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसके बाद में हमने उसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डिस्कस किए थे. आज एक बार फिर से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा सो एक बार फिर एक क्विक रिवीजन करते हैं, एक क्विक रिकैप. ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ पे केरला में लोकेटेड है, ध्यान में रखना. उसके बाद में इट इज़ लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स. और ये सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, ये आप रिपोर्ट आई है, आप नेट पर सर्च करोगे तो आपकी पूरा मतलब रिपोर्ट आ जाएंगी. सो आपको वहाँ पे ध्यान में रखना है कौन सा स्टेट इंक्रीज़ हुआ है या फिर मैनग्रोव फॉरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में घटा है नहीं है, कौन सा टॉप पे है, ये सब आपको उस रिपोर्ट में मिल जाएगा. सो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं. उसके बाद में हम यहाँ पे ये मैप वगैरह दिया था, आप ये ध्यान में रख सकते हो. प्रोटो कॉपरेशन के बारे में यहाँ पे दो सेंटेंस दिए थे और ये दोनों सेंटेंस यहाँ पे सही थे. इट इज़ अ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स बट नाइदर इज डिपेंडेंट ऑन रिलेशनशिप. द फ्लावर ऑफ द प्लांट आर पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट एंड बर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटो कॉपरेशन. उसके बाद में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश का है, ध्यान में रखना. उसके बाद में सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो के बारे में यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस यहाँ पे गलत थे. इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा ने किया है और ये चंद्रयान 2 का नहीं है, ये मार्टिन एटलस 2S लॉन्च व्हीकल ने यहाँ पे साथ में यहाँ पे किया है. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लैग के बारे में ये चाइना का है, ध्यान में रखना, ऑप्शन ए सही है. उसके बाद में गगनयान मिशन के बारे में पढ़ा था, ये गगनयान मिशन 2022 में होने वाला है. 3 एस्ट्रोनॉट यहाँ पे लेकर जाने वाले, इंडियन एयरफोर्स इंडियन पायलट यहाँ पर लेकर जाने वाले, उसमें रशिया में ट्रेनिंग देने वाले हैं. उसके बाद में ये GSLV MK3 लॉन्च व्हीकल जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज़ होने वाला है. 30 स्टेज है इसके, हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है एंड इसे यूज़ किया जाएगा गगनयान जो मिशन है उसे लॉन्च करने के लिए. सो ये कुछ फैक्ट आप ध्यान में रखना गगनयान से रिलेटेड, यह भी बहुत न्यूज़ में था. 75 साल पूरे होंगे 2022 में तब ये मिशन लॉन्च होगा, उससे पहले उसका जश्न मनाने के लिए. उसके बाद में लॉन्ग मार्च 5 के बारे में यहाँ पे दिया है, ये डेवलप किया है चाइना ने, ध्यान में रखना. सो ये चाइना का था. उसके बाद में मनी ऐप, ये RBI की है, इसे लॉन्च किया था विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन के लिए. आइडेंटिफाई डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी, मतलब करेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज़ होगा, बट ये काउंटरफिट और जिनाइन मतलब जो करेंसी है उसका पता नहीं लगाएंगे. सो ये RBI का है, ऑप्शन ए सही था इसका. और उसके बाद में स्नो एक्स के बारे में पढ़ते हैं, ये स्नो रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था नासा ने, नासा का है, ऑप्शन ए सही था. नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में देखते हैं, ये इंडिया का ऐसा मैप, आपको मैप बनाना आना चाहिए. उसके बाद में यहाँ पे सॉरी ये मतलब गलत हो गया था, ये इंडिया का ऐसा मैप है. और यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ से ये मानसून आता है, ऐसा रिटर्न मानसून आता है. सो ये यहाँ पे केरला, तमिलनाडु और यहाँ पे पुडुचेरी इस साइड में यहाँ पे गिरता है, तो तीनों ही ऑप्शन सही थे. इसे रिट्रीट मानसून या फिर मैंगो शावर भी बोलते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था. और ये कुछ लोकेशन दिए कहाँ कहाँ गिरता है, ये पुडुचेरी, केरला, कोस्टल ऑफ आंध्र प्रदेश, रायला सीमा एंड साउथ इंटीरियर ऑफ द कर्नाटका, इन जगह पर यहाँ पर पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, पलाऊ कहाँ पे लोकेटेड है, ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, जैसे हमारा ये इंडियन ओशन है, यहाँ पे इंडियन ओशन है. उसके बाद में ये साउथ ईस्ट कंट्री है, उसके बाद में यहाँ पे अमेरिका एंड वहाँ पे ये पैसिफिक ओशन है, वहाँ पे ये पलाऊ आइलैंड है लोकेटेड, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है. सो इन्होंने ये बैन किया था हार्मफुल मतलब कोरल के लिए, जो कोरल होते हैं समुंदर में. सो ये बैन सनस्क्रीन बैन किया था इन्होंने, ये फर्स्ट कंट्री थी. उसके बाद में जेमिनी के से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन थे.
सो ये जेमिनी के बारे में यहाँ पे दोनों सेंटेंस का आया करेक्ट है। जैसे इसका एम था डिसिमिनेट इमरजेंसी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑन डिजास्टर वार्निंग पोटेंशियल फिशिंग जोन्स एंड ओशन स्टेट फॉरेस्ट वो रिसेप टू फिशरमैन, और इसने लॉन्च किया था इनकॉइस ने एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद में हम यहाँ पे करेक्टली मैच बताना था आपको, ये अलग अलग स्लाइकों दिए, पपू फानी निक्का के बारे में दिया है। सो ये किस एरिया में यहाँ पे आए थे उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है। पबुक आया था अंडमान सी एंड नेबरहुड, साइक्लोन फानी आया था साउथ वेस्ट बे ऑफ बे एंड एडजोइनिंग साउथ ईस्ट ऑफ बंगाल, साइक्लोन वायु आया था नॉर्थ ईस्ट एडजोइनिंग ईस्ट सेंट्रल अरेबियन, इसमें आया था ये हिक्का आया था नॉर्थ ईस्ट एंड एडजोइनिंग ईस्ट ऑफ द अरेबियन सी, साइक्लोन स्टॉर्म बुलबुल आया था नॉर्थ वेस्ट साइड में आया था ऐसे यहाँ पे इंडिया में एंड एडजोइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल। सो ये इनका लोकेशन ध्यान में रखना आप एक बार। एंड नागेश्वरा टेम्पल, ये नागेश्वरा टेम्पल के बारे में यहाँ पे दिया था, ये एशियन चोला टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय आदित्य चोला इन्होंने किया था, बट ये कलिंगा रीजन में नहीं है, ये लोकेटेड है इन द सेंटर ऑफ द कुंभकोणम। ये नागेश्वरा टेम्पल कुंभकोणम इज़ अ हिंदू टेम्पल है डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा, लोकेटेड इन द कुंभकोणम तमिलनाडु में है ये, और इसे इनकार्नेटेड किया गया है बाय द हिम्स ऑफ द थेवाराम एंड क्लासीफाइड एज द पडल पेथरा स्थलम। शिवा इन द डिस्गाइज ऑफ द नागराजा सरपंट किंग इज लोकेटेड इन द सेंटर कुंभकोणम। आदित्य चोला कंस्ट्रक्टेड दिस टेम्पल ड्यूरिंग द 9th सेंचुरी में इसे क्रिएट किया गया। इट इज़ अ ग्रेट मार्वल चोला आर्किटेक्चर बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पे यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हैं आपको, इट हैज़ कमिटेड इटसेल्फ टू क्रिएटिंग एडिशनल कार्बन सिंक 2.5 to 3 billion टन्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बाय द 2030। इंडिया हैज़ कमिटेड टू रिड्यूस इट्स इमिशन इंटेंसिटी बाय 33% टू 35% बाय 2030 कंपेयर टू द 2005। सो दोनों सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट हैं, एक बार पॉज करके यहाँ पे पढ़ लेना। और ये कार्विंग स्कल्पचर के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, त्रिमूर्ति सदाशिवा नटराजा योगीश्वरा कैन बी फाउंड इन एलिफेंटा केव्स में पाए गए हैं, और ये त्रिमूर्ति सदाशिवा को थ्री फेस शिवा है ये, और नटराजा लॉर्ड ऑफ डांस है, योगीश्वरा लॉर्ड ऑफ योगा है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी इंडिया में अभी जयपुर को घोषित किया गया, उसके बारे में ये क्वेश्चन था। एंड मियाँ वाकी मतलब जैसा ये जापान है यहाँ पे, सो यहाँ पे अर्थक्वेक या कैलमिटीज बहुत आते हैं, सो इसी की वजह से यहाँ पे एक टेक्निक की है फॉर प्लांटेशन, जो मतलब शॉर्ट टाइम में यहाँ पे डेंस प्लांटेशन ग्रो होता है। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ग्रोविंग डेंस प्लांटेशन इन शॉर्ट टाइम, द टेक्निक वॉज स्टार्टेड बाय द जापानीज कंसिडरिंग द क्लाइमेट इन जापान एंड द रेगुलर ओकरेंस इन द ओकरेंस ऑफ द नेचुरल कैलमिटीज लाइक अर्थक्वेक्स। सो ये जापान से रिलेटेड है, जापानीज टेक्निक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ लोकेटेड है, ये उड़ीसा में लोकेटेड है भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ऐसे 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। सो ये एक क्विक रिवीजन या क्विक रिकैप आपने देखा, इसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में आएंगे और डिस्कशन जारी रखेंगे। इसका प्लेलिस्ट भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, 21 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फिर हम अगले पार्ट में। सो थैंक यू सो मच।